हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो हम करेंगे क्लास प्लस वन आपकी पेंटिंग। सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके हिसाब से चलेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी, जो कि प्योर आपकी जो एनसीईआरटी है उसके बेस पे चलेंगे। आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड, इसकी हम दो वीडियोज बनाएंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड, साथ में पिलर स्कल्पचर्स एंड रॉक कट आर्किटेक्चर्स के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो है पार्ट टू, स्कल्पचर्स लाइक लाइन कैपिटल, सारना, दिदारगंज, यक्षी, उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करेंगे पार्ट वन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, 6th सेंचुरी बीसी एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें बहुत सारी नई रिलीजियस सोशल मूवमेंट्स गंगेटिक वैली में शुरू हो चुकी थी, क्योंकि बौद्धिज्म एंड जैनिज्म ना दोनों के दोनों एक पार्ट बन चुके थे ऑफ शर्मन ट्रेडिशन। मतलब उस वक्त एक नए रिलीजन थे वो, ये निकल के बाहर आए, ठीक है ना, ये वाले दोनों के दोनों रिलीजन। दोनों रिलीजन ने क्या किया, वर्ण सिस्टम जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, जो चार वर्ण थे हिंदू धर्म के, और साथ ही में जाति सिस्टम जो था, ठीक है ना, उस सभी सिस्टम को उन्होंने नकार दिया कि भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, ऐसे आप डिवाइड ही नहीं कर सकते हो। तो इन दोनों धर्मों ने इसको बिल्कुल ये नकार दिया, ठीक है ना। और अगर हम बात करें मगध, मगध उस वक्त पे एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था। अगर हम बात करें, ये देखो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है ना, और साथ ही में बहुत सारा इधर का पार्ट भी हो गया, विदिशा, उज्जैन, ये सारे का सारा इनके अंडर आता था, ठीक है ना। और ये मौर्यस का टाइम पीरियड था, ठीक है ना, 4th सेंचुरी BC, जिसमें मौर्यस ने अपना टाइम पीरियड, अपनी पावर को कंसोलिडेट किया। 3rd सेंचुरी BC में ज्यादा से ज्यादा जो इंडिया का पार्ट था वो मौर्यन कंट्रोल में आ चुका था, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे अशोक, जो सबसे पावरफुल किंग है ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई मौर्यन डायनेस्टी शुरू किसने कर दिया, दैट इज बाय द चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया, ठीक है ना। और साथ ही में यहाँ पे बिंदुसार या बिंबसार जो है वो दूसरे टाइम पे आए, और तीसरे जो थे वो थे अशोक, ठीक है ना। और इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये नंद डायनेस्टी जो है उनसे ये पूरे का पूरा अंपायर छीन लिया था, ठीक है ना। बुद्धिस्ट शर्मन ट्रेडिशन 3rd सेंचुरी BC में ये शुरू हुआ। रिलीजियस प्रैक्टिसेस चली अलग अलग टाइम पीरियड पे, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर मोड ऑफ वर्शिप जो है वो चल रहा था, यक्ष, यक्षिणी, मदर गॉडेस, इनको पूजा जाता था, प्रेविलेंट था, मल्टीपल फॉर्म ऑफ वर्शिप जो है वो एग्जिस्ट करती थी। और बुद्धिज्म भी ऑब्वियस सी बात है ये सोशल और रिलीजियस मूवमेंट का एक पार्ट था। यक्ष जो थे वो वर्शिप बुद्धिज्म में पहले भी होती थी, बाद में भी होती थी, बुद्धिज्म में भी हुई, जैनिज्म में भी शुरू हुई, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई भी चीज पहले चल रही है ना तो वो बाद में दूसरे धर्मों में भी असिमिलेटेड होगी कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें पिलर स्कल्पचर्स एंड रॉक कट आर्किटेक्चर्स के बारे में, तो पिलर स्कल्पचर्स एंड रॉक कट आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास एंड विहारास। अच्छा, अभी यहाँ पे ना केव्स की बात करेंगे हम। केव्स दो तरह की होती थी, चैत्य विहारास। चैत्य केव्स पूजा के लिए यूज की जाती थी, जहां पे स्तूपास बनाए जाते थे। विहारास केव्स लोगों के रहने के लिए, जो मॉन्क्स थे उनके रहने के लिए यूज की जाती थी, ठीक है ना। जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, और ये देखो ये हमें सांची स्तूपा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। साथ ही में इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये सांची स्तूप बिल्कुल अलग है, ये हमें यहाँ पे एक जो विहारा केव है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो ये रूम्स बने हुए हैं ना, ये सारे के सारे रूम्स उनके रहने के लिए बनाए गए थे, ठीक है ना। ये रॉक कट केव्स, मॉन्यूमेंटल फिगर्स जो है वो यहाँ पे बनाए गए। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देखो पूरे का पूरा ना रॉक कट केव्स बनाए गए हैं। ऐसे नहीं है कि भाई एक नीचे से बनाना शुरू किया, ईंटें लगाई, ईंटें लगाते लगाते ऊपर गए, नहीं, ये ऊपर से कार्विंग शुरू करते थे और फिर नीचे आते थे, ठीक है ना। उस तरीके से ये जो है वो काम करते थे, ठीक है ना। अगर हम बात करें ट्रेडिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पिलर, ये बहुत ही ओल्ड है ना। ये इरेक्शन ऑफ पिलर्स उस वक्त पे बहुत ज्यादा प्रेविलेंट था, जो एकेमेनियन एम्पायर है वहां पे भी, और लेकिन मौर्यन पिलर्स थोड़े से इनसे डिफरेंट है। ये दोनों के दोनों यहाँ पे मौर्यन पिलर्स जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आप बिल्कुल ना ध्यान रखना कि मौर्यन पिलर्स ना रॉक कट पिलर्स है ना। कार्वर के स्किल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। जो यहाँ के जो पिलर्स हैं, इन्होंने क्या है, जैसे कि ये पूरी की पूरी शाफ्ट है, ये वाली शाफ्ट है,
ये पूरी की पूरी शाफ्ट एक ही पिलर्स में से बनाई गई है, ठीक है ना। ये नहीं है कि इनको अलग अलग पीसीज में जो है वो ज्वाइंट किया गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, है ना, एक ही पीस में से ये पूरे का पूरा बनाया गया है। लेकिन अगर हम एकमेनियन के टाइम की बात करें, वो उन्होंने पीसीज में बना के उसको बाद में ज्वाइंट किया, ठीक है। और स्टोन पिलर्स की बात करते हैं जो कि अशोक ने अपने टाइम पे इरेक्ट किए, हमें नॉर्थ इंडियन पार्ट में ज्यादातर दिखाई देती है। मौर्यन एम्पायर में इंस्क्रिप्शन उस पे इंस्क्रिप्ट की गई, इंक्रेव मतलब खुदाई की गई उस पे, है ना। ये इंस्क्रिप्शन जो है अलग अलग उनकी लैंग्वेज होगी, है ना, और ये बिल्कुल भी उस वक्त पे नहीं किया गया था, ये बाद में किया गया, लेकिन उस वक्त पे इस तरीके का काम जो है वो इन पिलर्स पे किया गया। अभी ये कोई इंफॉर्मेशन है, कोई उनका मंत्र है, कोई कुछ है ना, कोई वो मैसेज देना चाहते हैं तो इस तरीके से अलग अलग चीज, कोई अपनी वो करना चाहते हैं, बढ़ावा करना चाहते हैं, या कोई और इंस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। टॉप पोर्शन ऑफ पिलर जो है वो ऑब्वियस ही बात है, जो लाइन कैपिटल सारना जो हमने पीछे देखा है, जिसमें बुल, लाइन, एलिफेंट ये सारे दिखाए गए हैं। कैपिटल फिगर्स कार्व्ड की गई हैं, एक स्केयर के ऊपर सर्कुलर अबेकस बनाया गया है, ठीक है ना, और अबेकस को डेकोरेट किया गया है विद लोटसेस एंड अदर डिफरेंट थिंग्स। सम ऑफ द एग्जिस्टिंग पिलर्स अगर हम बात करें कैपिटल फिगर्स जो कि हमें बासरा, वखीरा, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा इन बिहार, संकिसा एंड इन सारनाथ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टोन पिलर्स की जो कि अशोक के द्वारा जो है वो बनाए गए थे, ठीक है ना, ज्यादातर ये नॉर्थ इंडियन पार्ट में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। मौर्यन एम्पायर ने बनाए, इनपे अलग अलग जो है हमें यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस जो है वो हमें दिखाई दे रही है जो कि इंग्रेव की गई है इनके ऊपर, ठीक है। साथ ही में मौर्यन पिलर जो कि हमें एक सारनाथ में भी मिला है, इसको हम लाइन कैपिटल का पिलर भी बोलते हैं, ये भी मौर्यन स्कल्पचर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। ये हमारे देश का नेशनल एम्ब्लम भी है, जो इसके ऊपर जो ये वाले लाइंस बनाए गए हैं, ये हमारे देश का नेशनल एम्ब्लम भी है। और इसको ना बड़ा ही ध्यान से किया गया है क्योंकि ये सारे के सारे रोलिंग लाइंस हैं, ठीक है ना, एक से बनाए गए हैं चारों तरफ पे, ये हमें तीन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक चौथा इसके पीछे की तरफ भी है, ठीक है ना। साथ ही में एक अबेकस बनाया गया है, दिस इज नॉट नोन एज अबेकस, है ना, विच इज कार्व्ड विद द फिगर्स ऑफ ए हॉर्स की फिगर, ए बुल की फिगर है, साथ ही में एक लाइन और एलिफेंट जो कि उस तरफ बनाए गए हैं वो भी बनाए गए हैं, ठीक है ना। और ये लोटस जो है वो एक बेल जो है वो बनाया गया है जिसके ऊपर इसको खड़ा किया गया है, ठीक है ना। ये मतलब ये चीजें यहाँ पे स्कल्पचर के ऊपर ये देखिए पूरे का पूरा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके का बनाया गया है। और ये पिलर जो है वो सिंबलाइज करता है टू द धर्म चक्र परिवर्तना, है ना। यहाँ पे देखो ये एक बौद्ध ट्री भी बनाया गया है जो कि उसका फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा जो कि है एक सिंबल बनाया गया, ठीक है ना, क्योंकि ये जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना एक सर्मन दिया था, अपना उपदेश दिया था, है ना, जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद उन्होंने वो किया, ठीक है। मॉन्यूमेंटल इमेजेस की अगर हम बात करें, यक्ष, यक्षिणी पिलर्स, एनिमल पिलर्स, कैपिटल फिगर्स जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए ये यक्ष हैं जो कि हमें पटना से मिले हैं, ये भी यक्षिणी है जो कि हमें पटना से मिली है, और ये 3rd century BC में ही सारे के सारे हमें मिले हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें पॉपुलरिटी ऑफ यक्षा वर्शिप, ये बुद्धिस्ट धर्म रिलीजन, जैन रिलीजन दोनों में दिखाई दे रही है, ठीक है। हमें ये यक्षिणी जो है हमें पटना से, विदिशा से, मथुरा से, अलग अलग जगह से हमें ये मिले हैं, ठीक है ना। और इनकी ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सभी के सभी ना स्टैंडिंग पोजीशन में है, सिटिंग पोजीशन में हमें नहीं दिखाई देते ये। और एक और है कि ये पॉलिश्ड सरफेस है, इनकी जो टेक्सचर है ना जो स्कल्पचर का वो बिल्कुल भी रफ नहीं है, ठीक है ना, ये पूरे का पूरा क्या है, पॉलिश्ड है, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे ना डिपिक्शन ऑफ फेसेस जो है वो फुल राउंड है विद प्रोनाउंस्ड चीक्स, एकदम वो डिटेल जो है वो दिखाई गई है। और इसकी एक फाइनेस्ट एग्जांपल है यक्षी फिगर दीदारगंज पटना, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात करेंगे, जो फुल फ्लेज बात करेंगे इसके बारे में। इट शोज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स डिपेक्टिंग द ह्यूमन फिजिक, सेंसिटिविटी दिखाई गई है, देखो हर एक चीज को बहुत ही बोल्ड बनाया गया है। इमेज पूरी की पूरी पॉलिश्ड सरफेस जो है वो हमें दिखाई देता है। पिलर्स अगर हम बात करें ना तो साथ में स्कल्पचर्स, एक ये देखो ये हमें एक एलिफेंट जो है वो बड़ा सारा दिखाई दे रहा है, टेराकोटा फिगर भी हमें यहाँ पे दिखाई देती है ना स्कल्पचर्स के साथ, जो कि बहुत ही डेलिनेशन के साथ बनाया गया है। मॉन्यूमेंटल रॉक कट है एलिफेंट का जो कि धौली ओडिशा में हमें मिलता है, ठीक है, जिसमें मॉडलिंग इन राउंड विद लीनियर रिदम जो है वो हमें पूरा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे अशोकन रॉक एडिक्ट भी है, ये सारे के सारे रिमार्केबल
मतलब फिगर रिप्रेजेंटेशन की गई है, क्योंकि हमने पीछे देखा एनिमल फिगर्स हैं या फिर कोई भी तरीके की इस तरीके की जो फिगर्स हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, हर एक तरह की यक्ष हैं, यक्षिनीज हैं, सार जगह पे फिगर्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। ये रॉकट केव है हमारे पास एक बार्बर हिल्स नियर गया इन बिहार, और इसको लोमस ऋषि केव बोलते हैं। क्या, कौन सी केव बोलते हैं? लोमस ऋषि केव, ठीक है। द फैकेट ऑफ द केव जो कि है वो डेकोरेट किया गया विद अ सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क। मैं आपको बताता हूं, चैत्य आर्क एक तरह की इस तरीके की जो है वो हो सकती है, ठीक है, इस तरीके की आर्क हो सकती है, वो इस तरीके की आर्क भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है कि किस तरीके का डिजाइन जो है वो बनाया गया है, ठीक है ना, एंट्रेंस के ऊपर। एलिफेंटा फ्रीज कार्व्ड इन हाई रिलीफ, हाई रिलीफ में एलिफेंट बनाया गया है, और चैत्य आर्क भी शो की गई है, और इंटीरियर हॉल जो है वो केव का इस तरीके का रेक्टेंगुलर है ना। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, ये देखिए, ये आर्क है, इसको हम बोलते हैं आर्क, ये भी आर्क हो सकती है, ये भी आर्क है ना, इस तरीके की आर्क जो है वो वहां पे बनाई गई है। जो इंटीरियर हॉल है ऑफ दिस केव इज रेक्टेंगुलर विद अ सर्कुलर चैम्बर, एक सर्कुलर चैम्बर भी बनाया गया है, ठीक है ना, इस तरीके का पार्ट बनाया गया है। एंट्रेंस जो है वो लोकेटेड ऑन द साइड वॉल ऑफ द हॉल, हॉल की साइड पे एंट्रेंस बनाई गई है। केव वॉज डोनेटेड बाय अशोका फॉर अजीविका सेक्ट को डोनेट कर दी गई थी। लोमस ऋषि केव इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड, बट बहुत सारे बुद्धिस्ट केव जो है वो सब्सिक्वेंट पीरियड में भी हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में दिखाई देते हैं। ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म उस वक्त काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे, जिसकी वजह से स्तूपास, विहारास कंस्ट्रक्टेड ऑन लार्ज स्केल, चाहे वो विहारा केव्स हैं, चाहे स्तूपास हैं, चाहे चैत्य केव्स हैं, लार्ज स्केल पे उनको कंस्ट्रक्ट किया गया। हाउएवर वहां पे हमें फ्यू ब्राह्मणिकल गॉड्स के भी स्कल्पचर्स रिप्रेजेंटेशन दिखाई देती हैं, और स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड ओवर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, वो रेलिक्स मतलब जो अस्थियां होती हैं, है ना, महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां थी उनके ऊपर बनाया गया, जहां पे उनको अलग अलग जगह पे डिवाइड किया गया, राजगहा, विशाली, दैट इज वेट दीपा, पाविन बिहार, कपिल वस्तु, है ना, अलकप्पा एंड राम ग्रामन नेपाल, कुशीनगर, पीपलवीना इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सब जगह पे बनाए गए। टेक्सचुअल ट्रेडिशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्तूपास को कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है ना, बुद्धा की रेलिक्स के ऊपर, रेलिक्स अस्थियां, प्लेसेस इंक्लूडिंग अवंती, गंधारा जो कि गंगेटिक वैली का जो एरिया है उसके बाहर है, वहां पे भी उनको बनाया गया, ठीक है। स्तूपास, विहारास, चैत्यस ये सभी बुद्धिस्ट और जैन मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, बट लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलोंग्स जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करती हैं। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा इज 3rd century BC इज बैरेट इन राजस्थान। राजस्थान, ये देखो, ये एक स्तूपा का जो है वो हमें पूरा का पूरा फॉर्म दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे भी पूरे का पूरा एक स्तूपा जो है वो बनाया गया राजस्थान में, ठीक है। ग्रेट स्तूपा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो अभी तक सर्वाइव कर रहा है वो सांची स्तूपा है, ठीक है ना, और इसको हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे पूरे का पूरा, ठीक है ना। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका इसको बनाया गया, है ना, इसको स्टोन के साथ बहुत सारे एडिशन इसमें किए गए, है ना, बाद में भी किए गए, बौद्धिज्म को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया इसकी वजह से। फ्रॉम द 2nd century BC ऑनवर्ड्स हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस मिलते हैं, जहाँ पे डोनर्स किस किसने डोनेट किया, है ना, और उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो सारी चीजों की डिटेल हमें मिल जाती है। द पैटर्न ऑफ पेट्रोनेज हैज बीन अ वेरी कलेक्टिव वन एंड देयर आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रॉयल पेट्रोनेज। रॉयल पेट्रोनेज की बहुत ही कम एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें, अगर आप हिस्ट्री भी साथ में पढ़ते हो तो आपको पता लग जाएगा कि जो एक भोपाल की शाहजहाना बेगम थी, जिन्होंने बाद में इसको क्या किया कि भाई इसको किसी भी तरीके से प्रिजर्व किया जाए, प्रिजर्व भी किया गया इसको, ठीक है। पैटर्न्स रेंजेस करते हैं डेवोटीज, गैपतीज, किंग्स, है ना, डोनेशन बाय गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि गिल्ड्स मतलब ग्रुप्स, ठीक है ना, जो यूनियंस होती हैं। आल्सो मेंशन एट सेवरल साइट्स हमें दिखाई दे रहा है। हाउएवर देयर आर वेरी फ्यू इंस्क्रिप्शंस जो हैं हमें मिलती हैं आर्टिशियंस की, जैसे कि दैट इज काना एट पीतलखोरा एंड उसके जो चेले हैं दैट इज बालका एट कोंडेन केव्स जो है महाराष्ट्र में है, है ना। आर्टिशियंस कैटेगरीज लाइक स्टोन कार्वर्स, गोल्ड स्मिथ, स्टोन पॉलिशर्स, कारपेंटर्स, इन सभी को भी मेंशन किया गया है इसमें।
तो आज की वीडियो हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा उस पार्ट में हम जो है वो इसके बारे में, जो आपके स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाओ, घंटा दबाओ, कुछ भी करो, लेकिन हाँ सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, पैसे भी तो तभी आएंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन।